हेलो एवरीवन, क्लास फिफ्थ, चैप्टर नंबर 9, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम. एंड हियर द अमाउंट और मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. ठीक है, तो हमारे पास सॉलिड जो होता है उसके अंदर हम कितनी चीज फिल कर सकते हैं, उसके अंदर कितनी स्पेस है, दैट इज वॉल्यूम. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम के बारे में. एंड राइट, तो एक और चीज होती है कि जब हम एरिया निकालते हैं, आप लोगों ने किया होगा, हम लगाते हैं स्क्वायर, राइट. बट जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तब हम लगाते हैं क्यूब. ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे भी बोल सकते हैं. और 9A एक्सरसाइज हम लोगों ने की, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है. वी हैव टू जस्ट काउंट द क्यूब्स. हमें यहाँ पर टोटल क्यूब काउंट कर रहे हैं, जैसे कि कुछ क्यूब्स हमारे पास बैक साइड पे हैं, हम उन्हें भी काउंट करेंगे. ठीक है, जैसे इस पूरी ये 3D फिगर है, इसके आगे कितने क्यूब्स हैं और फिर पीछे कितने क्यूब. जैसे आगे 15 है तो इसकी बैक साइड पे भी 15 क्यूब्स हैं, राइट. टोटल 30 हैं. तो फर्स्ट पार्ट में हमें ये फाइंड आउट करना है कि हैव द सेम वॉल्यूम, कि किसका सेम वॉल्यूम है. ठीक है, शेप्स अलग अलग हैं बट वॉल्यूम सेम है. क्यों? क्योंकि यहां पर भी इसको बनाने के लिए भी 12 क्यूब्स लगे और इसको बनाने के लिए भी 12 क्यूब्स लगे, दैट्स वाई. ठीक है, सो ये है. और यहाँ पे तो हमें प्रॉपर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, इसमें भी हमें क्यूब्स ही फाइंड आउट करने हैं कि कितने क्यूब्स हैं. ठीक है, ये तो बहुत इजी है. हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम यहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे दो फॉर्मूलाज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वॉल्यूम्स ऑफ अ क्यूबॉइड, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. एंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, दिस इज लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ. और वी कैन ऑल्सो से साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि क्यूब की सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो इन फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव यूज द फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स. तो हमारे पास ये कुछ शेप्स हैं, इन शेप से हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लाइक दिस. इन दिस फिगर दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट, राइट. सो आई हैव रिटन हियर फर्स्ट क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 2 सेंटीमीटर. फॉर्मूला ऑफ अ क्यूबॉइड क्या है? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. सो यहाँ पे मैंने एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच लिखा है. सो 5 × 7 × 5 × 2 इज 70 सेंटीमीटर क्यूब. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते हैं 70 क्यूबिक सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के ऊपर हमें क्यूब मतलब 3 पावर डाल सकते हैं. ठीक है, आंसर सेम है. लेंथ इज इक्वल्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर. वी कैन क्लियरली सी हेयर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट. ठीक है, तो सेम नेक्स्ट फॉर्मूला सेम है. फॉर्मूलम ऑफ द क्यूबॉइड इज एल बी एच, एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, 4 × 2 × 3 इज 24. फोर्थ क्वेश्चन भी हमारे पास ऐसा ही है. थर्ड क्वेश्चन एवरीवन होमवर्क है, और फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है. लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर, हाइट इज 2 सेंटीमीटर. सो द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, दैट इज 10 × 5 × 2 इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर क्यूब. आप लोग ध्यान से सुन लो, इसको हम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं और 100 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं. अगर हमें इसे लिखना हो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, सो इट विल बिकम लाइक दिस, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर के ऊपर 3. ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन इज होमवर्क. एंड इन फिफ्थ क्वेश्चन, देखो फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास एक क्यूब है जिसकी एक साइड 6 है, तो इसका मतलब इसकी सारी साइड क्या होंगी, 6. तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर इसकी सारी साइड है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड. सो 6 × 6 × 6 इज 216 सेंटीमीटर क्यूब. सिक्स्थ क्वेश्चन में भी एक क्यूब है हमारे पास, सेम फॉर्मूला लगेगा और वो आपका होमवर्क है, राइट. इन बी पार्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट. तो यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, सिंपल हम लोगों ने सेम ऐसे ही करना है क्वेश्चन. सो लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 7 सेंटीमीटर, हाइट इज 2 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 168 सेंटीमीटर क्यूब इज आंसर. सो सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है, एल बी एच ही करना है. 10 × 6 × 5 आ जाएगा, इसमें 15 × 6 × 9 आ जाएगा, राइट. सो फोर्थ क्वेश्चन इज लिटिल बिट डिफरेंट. क्या है इसमें, क्योंकि लेंथ है 1 मीटर और ब्रेथ और हाइट दोनों सेंटीमीटर्स में है. सो हम 1 मीटर को पहले सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे. लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर. हमें यूनिट सेम होने चाहिए एवरीवन. ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, 100 × 80 × 500 इज दिस, राइट. दिस इज 4 लाख. क्यों, जैसे डायरेक्ट भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5, 8, 5 = 40 और साथ में जीरोस कितने हैं, 2 जीरो इसके, 0, 4 जीरो टोटल हो गई है, तो 4 जीरो साथ में लगा दिए. ठीक है, सो दिस इज
फोर लैग सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द मेन पार्ट, सेंटीमीटर क्यूब आपने जरूर लिखना, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज एजेस, तो ईच एज हमें गिवन है, मतलब कि एक साइड गिवन है, और सिंपल हम जैसे क्वेश्चन करते ही हैं वही वैसे ही करेंगे। एज ऑफ अ क्यूब इज 3 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इज 27 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन सेम है, वो आप लोग खुद करोगे। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, क्यों, क्योंकि यहां पर एज हमारे पास है 1 मीटर 5 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया है यहां पे, 1 मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, क्या आया 100, और 5 तो पहले ही सेंटीमीटर में है, 100 + 5 = 105 सेंटीमीटर, राइट। सो 1 मीटर 5 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 105 सेंटीमीटर। तो उसके बाद वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, सो इट मींस 105 × 105 × 105 × 105 इट विल बिकम दिस, राइट। सो दिस इज 1,11,57,625 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द आंसर। देन नेक्स्ट डी पार्ट वी हैव सम स्टोरी सम्स। फर्स्ट इज रेक्टेंगुलर वाटर टैंक मेजर 6 m/5 m/2 m, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक दैट कैन बी स्टोर्ड इन इट। सिंपल क्वेश्चन है, मेजर्स ऑफ रेक्टेंगल्स मैंने लिख दिया सिंपल, 5, 6, 5 and 2, इसका मतलब होता है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन है। सो वॉल्यूम क्या है, एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, दैट इज 6 × 5 × 2, तो आंसर क्या आएगा 60 मीटर क्यूब, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट स्टोरी क्वेश्चन। सेकेंड इज The length and breadth and height of a cuboid are 2 meter, 1 meter, 3 meter respectively and the volume of cuboid is in cubic meter as well as in cubic centimeter. Okay, तो हमें यहाँ पर length given है, length of a cuboid is 2 meter, breadth of a cuboid is 1 meter and height of cuboid is 3 meter. So volume of cuboid is L multiply B multiply H, that is 1 multiply 2 multiply 1 multiply 3, that is 6 meter cube. यहाँ पे one more thing है, उसने कहा कि cubic meter में भी find out करो, cubic centimeter में भी find out करो। तो हमें यहां पर देखो मैंने बॉक्स में बनाया, 1 मीटर क्यूब क्या होता है, इसके इक्वल होता है, हमारे पास कितने जीरोस होते हैं, 6 जीरोस होते हैं, राइट। सो दिस इज 10 लाख, ठीक है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से देखो क्योंकि 1 मीटर जो होता है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे फाइंड आउट करना है, कई बार हम भूल जाते हैं। देखो 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अब यहां पर पावर 3 है, तो यहां पर भी पावर 3 है, तो यहां पर इसको क्या हो जाएगा, 3 से मतलब इसके साथ हम मतलब 100 है तो पावर 3 हो गई, तो इसका मतलब है 0 4 टाइम्स आ जाएगा, ये मतलब 2 जीरोस है, फिर उसको फिर ट्रिपल टाइम हो जाएंगे जीरोस, तो क्या हो जाएंगे 6 जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो यहां पर 6 से हमने जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया 6 से, तो हमारे पास ये आंसर आया, ठीक है, दैट इज 60 लाख सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द आंसर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मेटल इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग 14 सेंटीमीटर एंड ब्रॉड एंड 7 सेंटीमीटर हाई, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 5 such blocks। तो क्या करना है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ हमें पता है लेंथ ऑफ अ ब्लॉक इज मेटल इज 18, ब्रेथ इज 14 एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ऑफ मेटल क्या आ जाएगा, एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, 18 × 14 × 7, दैट इज 1764। अब एक ब्लॉक की वैल्यू हमें पता है 5 की निकालनी, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज द आंसर 8820 सेंटीमीटर क्यूब। सो लास्ट क्वेश्चन, क्यूबॉइड ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्g 5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 6 4 सेंटीमीटर हाई एंड द क्यूब हैज एज 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज विच वन हैज अ ग्रेटर वॉल्यूम। बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइड 4 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, 10 × 5 × 4, दैट इज 200 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद साइड ऑफ क्यूब गिवन है 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, 15 × 15 × 15, दैट इज 3375 सेंटीमीटर क्यूब। सो इट मीन्स क्लियरली हम देख सकते हैं हमारे पास क्यूब का वॉल्यूम ज्यादा आ गया, सो द क्यूब हैज ग्रेटर वॉल्यूम, राइट। दिस वॉज द एक्सरसाइज 9B एवरीवन। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी प्लीज कॉन्टेक्ट मी एंड प्लीज कंप्लीट योर नोटबुक्स एज वेल, एंड थैंक यू सो मच, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल मैथमेटिक्स प्राशर। थैंक यू।